बेहद टैलेंटेड, बिहार का नाम उन्होंने रोशन किया है। कुछ दिन पहले वो बिहार भी आए थे, खगड़िया भी आए थे, और जो भी एविडेंस है, चाहे फिंगरप्रिंट की बात हो या हैंगिंग की बात हो, जो डिस्टेंस की बात हो, बाथ रॉक की गले में मार्क की बात हो, एक दिन पहले पार्टी करना, फिर जूस पीना, सुबह तक चला, आवाज़ें जो हैं पड़ोसी तक सुन रहे थे, ये जो है वहाँ के लोगों का कहना है। और जितने भी नौजवान हैं या फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं भी हों, जो उनके फैंस हैं, दे वॉन्ट जस्टिस। बस हम लोग चाहते हैं, हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं उनके परिवार के प्रति। उनके परिवार के लोगों से हमारी भी बात हुई। वो नीरज बबलू जी बिहार में विधायक भी हैं, उनके कजन भी हैं, हमने उनसे भी पूछा कि भाई आप जैसा मदद चाहिएगा हम वैसा करेंगे, जो अगर आपकी मांग है। तो हमने पूछा भाई CBI वगैरह का मांग वगैरह होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो वो कहे कि हम लोग मांग करेंगे। और हम लोग यही चाहते कि एक फेयर अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, हालांकि मुंबई पुलिस कर रही है जी, लेकिन अगर बेहतर और उच्च स्तरीय जांच होती है, अगर न्याय मिलता है और कारण का पता चलता है, तो इसमें बुराई किस बात की है? जो भी बातें कही जा रही हैं, हर एंगल जांच का हर एक एंगल से होगा और स्पष्ट हो जाएगा। हम लोग यही चाहते हैं कि आज सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हुआ, दोबारा ऐसा कोई सुशांत सिंह राजपूत के घटना ऐसी जो हुई है वो दोबारा घटना ना हो। और हम बिहारी होने के नाते कहते हैं कि बिहारियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। आपको हम बताएं, हम क्रिकेटर भी रह चुके हैं, क्रिकेट भी खेलते थे, हमारा बैकग्राउंड आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से बहुत लोगों को डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर बिहार का लोग आगे जाता है, वो हम नहीं कहते, आप लोग सब लोग जानते हैं। अब हम लोगों का यही मांग है, इन्होंने समय लिया था, लेना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया, COVID-19 का जो भी जिक्र किया उसके वजह से नहीं दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक, ही इज़ नॉट जस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार, ही इज़ द लीडर ऑफ द बिहार। और जब कोई बिहार का आइकॉन, देश का आइकॉन मैं कहता हूँ सुशांत सिंह थे, अगर कोई आइकॉन, इतना बड़ा नाम, इतना स्ट्रगल करके अगर इस तरह की घटना हुई है उसके साथ, तो बिहार के नेता को, बिहार के मुख्यमंत्री को कम से कम संवेदना और प्रकाश उनके परिजनों से मिलकर के और उनका सहारा बनना चाहिए। अभी भी हमने आपको देखा होगा कि हम लोगों ने एक चिट्ठी लिखी है। एक तो हमारा मांग है कि भाई फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, उच्च स्तरीय CBI जांच हो, एक वे है। दूसरा हमारा जो मांग है, जो चिट्ठी हम लोगों ने लिखी है, कि राजगीर में जो फिल्म सिटी जो बन रहा है, क्योंकि उनका जिस प्रकार से स्ट्रगल करके एक छोटे से शहर का होकर के एक अपना मुकाम, हर एक पायदान पे जाना, सफल होना, तो हमको लगता है कि उनके याद में जो फिल्म सिटी राजगीर में बन रही है वो सुशांत सिंह राजपूत जी के नाम पे नामकरण किया जाए। और दिली इच्छा हमारी ये भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके परिजनों से जाकर के मिले और ये आश्वासन दे कि हर जांच में हर संभव मदद जो है वो करेंगे, वो महाराष्ट्र सरकार से भी बात करेंगे कि इसका CBI जांच का रिकमेंडेशन दिया जाए, और साथ ही साथ ये भी आश्वासन उनके परिवार को दे कि जो राजगीर में फिल्म सिटी जो बन रहा है उसका नामकरण सुशांत सिंह राजपूत जी के नाम पे किया जाए, ऐसी जमीन तैयार की जाए कि जहां सबको अपना हक मिले, जहां इस तरह की मुर्दा परस्ती ना हो, जहां इस तरह दबाया प्रताड़ित ना किया जाए, जहां अकल से लोग और दिल से लोग जो है वो इतने अलील ना हो, इतने बीमार ना हो, इतने मुफलिस ना हो, सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, ताकि जो हुनहार है, जिसके पास हुनर है, वो आगे बढ़ सके। मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि वहाँ गैंग है, लोग जानते हैं, मैं जांच के लिए आया हूँ, मैं गैंग को प्रूफ करने के लिए नहीं आया, उनके नाम को उजागर करने। सुनिए, आप सुनिए, अबेटमेंट ऑफ, वही तो जांच का विषय है, वही तो जांच का विषय है। अरे मैं कैसे जानूं किसने अबेट किया? उसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ कि वो जांच होनी चाहिए, कौन है वो लोग, और मैं जांच पे तवज्जो दे रहा हूँ, मैं गैंग पे तवज्जो नहीं दे रहा हूँ।
मैं कह रहा हूं वो भी एक कारण हो सकता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकता है, कोई एक व्यक्ति विशेष हो जो इंडस्ट्री से ना हो, हो सकता है इसका लव एंगल हो सकता है फाइनेंशियल लॉस हो सकता है क्लिनिकल डिप्रेशन हो सकता है इमोशनल टर्बुलेंस हो सकता है, सारी वजह हो, तो आप गैंग पे क्यों पड़ गए? वो मेरा विषय है ही नहीं, नहीं वो मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय है कि जांच होनी चाहिए। एक लड़का हमारा गया है, उसकी वजह जो है उसके फैंस, उसके चाहने वाले, मैं, आप, उनके घर वाले, सब लोग जानना चाहिए और आप लोगों को भी जानना चाहिए। एक क्लोजर ले आइए, किस वजह से हुआ, बात खत्म हो गई। मैं एक मकसद से आया हूँ और बस यही रहूंगा और मैं कल चला जा रहा हूँ, फिर मैं वापस नहीं आने वाला हूँ, फिर नहीं, क्या जरूरत नहीं है, मैं इसी मकसद से आया हूँ तो फिर ठहरने की और कोई वजह नहीं है। मैं ये जानना चाहता था कि मैं जो कर रहा हूँ, एक बिहार के सुपुत्र होने के नाते मैं जो कर रहा हूँ, क्या वो सही नहीं है? क्या आप लोग नहीं चाहते कि उसको न्याय मिले? और कुछ नहीं चाहते, बस यही चाहते हैं बस।